हेलो हेलो, स्वागत है आप सबका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपसे वो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी करें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है जब मैं घर गई थी ना, तो उस टाइम का वीडियो है। आने के बाद देखिए कितनी गंदगी मेरे घर में हो रही है। अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और इस टाइम मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि अभी आए हैं ना, तो फिर बहुत बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, लेकिन थके हुए भी बहुत ज़्यादा हैं। 6-7 घंटे का सफ़र था, लेकिन फिर ये गंदगी देख के भाई ऐसे बैठने का भी बिल्कुल मन नहीं करा। तो बच्चों ने कपड़े वगैरह निकाल रहे हैं, ये चेंज करेंगे, और अभी मैं यहाँ पे सिंपल सी झाड़ू लगा रही हूँ, बस हल्का सा झाड़ पूछ करके। ये देखिए फ्रेंड्स, घर की हालत क्या हो रही है, कितना धूल 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 धूल। बिस्किट देखो, धूल इतनी धूल आई है ना, कितनी बुरी हालत है। ये तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा रात साफ कर दिया था, क्या अभी सुबह हो चुकी है और कितना गंदा हो रहा है ना। अभी उठे हैं, आज लेट ही उठे सो के, और अभी बना रही हूँ चाय। अब चलो उठ के ब्रश कर लो। और इतना गंदा हो रहा है ना सच में। रात मैंने ना सारे में झाड़ू लगाई थी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा जैसे झाड़ू लगाई है। और देखो बाहर का मौसम, सो के कुछ पता नहीं रही, और बाहर का मौसम देखो, ये बारिश इतनी तेज पड़ गई है ना कि सारे में पानी पानी भर गया। ये देखो बाहर का मौसम, हमें तो कुछ सो के पता ही नहीं रहा, और बारिश बड़े हवाड़ी पड़ गई। गाड़ी से गए थे ये, लेकिन सुबह फिर एक गाड़ी से आना पड़ा, क्योंकि उस टाइम तेज बारिश हो रही थी, तो बस इसीलिए। और एक मेरा फायदा हो जाएगा बारिश में कि मैं सारी सफाई करूँगी ना, तो धूल एक दो दिन के लिए नहीं आएगी, नहीं तो सफाई करती रहती धूल आती रहती, तो बहुत बुरी हालत हो जाती। इसीलिए मैं अब सफाई करूँगी तो मेरे घर में धूल कम आएगी। मैं बढ़िया तरह सफाई करूँगी चाय पीने के बाद, अभी तो चाय बना रही हूँ, उसके बाद से पूरा सीधा सफाई में लगूँगी। बहुत गंदा हो रहा, बिल्कुल मन नहीं कर रहा। कल तो थके हुए थे तो मैंने सिंपल झाड़ू लगाई थी थोड़ा थोड़ा झाड़ के, लेकिन आज पूरी एकदम डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। चलिए पहले चाय पीते हैं, करेंगे बाद। चाय बन गई, गुड मॉर्निंग। ये लड़का देख इतने कीचड़ में जाके और बिस्किट ले आया है, ले आया। और जीने का देखो क्या हाल है हमारे का। मैं दिखाऊंगी अपने पौधे जो मैं देखूं कैसे छोड़ के गई थी। चाबी तो दे गई थी मैं अंकल को पानी वानी देने के लिए, लेकिन फिर भी ना ठीक हो रहे हैं, बढ़िया एकदम मस्त पौधे हो रहे हैं। लेकिन एक सूख गया भाई, ये वाला कैसे सूख गया, बाकी तो सब ठीक हो रहे हैं। ये वाला सूख गया, ऊपर का मौसम एकदम बढ़िया हो रहा है। गांव में तो इतनी मतलब गर्मी थी कि कपड़े पहनने जरूरत नहीं पड़ी, और यहाँ आके देखो मैंने जर्सी पहन ली एकदम, क्योंकि ठंड लग रही है सुबह सुबह, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखो मौसम कितना गंदा हो रहा है, और पड़ेगी बारिश ऐसा लग रहा है। एक पौधा सूख गया मेरा, बाकी तो सब ठीक हो गए। इसमें दूसरा लगा दूंगी, या फिर इसमें लगाऊंगी नहीं, हो सकता है ना चलेगा। चलो ठीक है, कल ने पानी दिया हुआ तो मैं बोल रही हूँ। नीचे वाले भी बहुत मस्त हो रहे हैं, देखो नीचे वाले भी कितने मस्त हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं ना सारे के सारे। तो देखिए फ्रेंड्स, बस चाय वगैरह पी है, क्योंकि इतनी गंदगी हो रही है ना कि कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा। बस इस तरह ही बिस्तर झाड़ के सिंपल सा सो गए थे खाना वगैरह खा के। अभी बस चाय पी है, सबसे पहले लग गए हैं सभी लोग सफाई में, क्योंकि यहाँ पे ना कच्चा रास्ता जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, बारिश हो गई थी रात में, तो एक फ़ायदा मेरा ये हो जाएगा कि मतलब मैं सफाई करूँगी तो कम से कम धूल नहीं आएगी। इस टाइम यहाँ पे सवारियाँ वगैरह चलती रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, पूरे पे सफ़ेद सफ़ेद जम रही थी, वाइट वाइट, कई कई बार साफ करना पड़ा, लेकिन फिर भी वाइट वाइट सा रह जा रहा था। तो बस सभी लगे हुए हैं, अभी मैंने कहा भाई थोड़ा थोड़ा सब लग जाओ, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा मुझे, और आज सब घर ही हैं, इसलिए
तो देखिए बच्चे भी हेल्प करा रहे हैं, बच्चों के पापा भी हेल्प करा रहे हैं, उधर मैं भी लग रही हूँ। तो इससे ना क्या होगा, जल्दी से सारा काम हो जाएगा, क्योंकि रात को भी लेट, मतलब बहुत लेट आए थे हम, 6 बजे घर पहुँचे थे लेकिन पहुँचे कई घंटे में थे। तो देखिए सभी को थकान हो जाती है और आज थोड़ा सा लेट भी उठे सो गए। ये देखो सब अपने अपने कामों में बिजी हो रहे हैं, पूरा घर इतना अस्त व्यस्त हो रहा है। एक तो कहीं को जाओ ना फ्रेंड्स, तो हमें सामान वगैरह रखने पैकिंग करने में वैसे भी थोड़ा सा उथल पुथल हो जाता है, और सारा पैक करके गई थी मैं, खिड़की दरवाजे पर्दे वगैरह लगा कर, लेकिन फिर भी ये देखिए खिड़कियों में देखो आप कितनी बुरी तरह से लग रही है। तो बस कपड़ा भिगो भिगो के मैंने पूरा कई कई बार मतलब धुल धुल के कपड़े को पोंछा है, तब जाके खिड़की दरवाजे ठीक हुए हैं। और बच्चे अपनी हेल्प करा रहे हैं, देखो ये मेरा बेसिन साफ कर रहा है उधर, इसको ये इजी काम लगा था, ये कर रहा है। और इसके बाद पूरे में झाड़ पूछ करके चादर वगैरह सारी मैंने उतार दी हैं, और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। रात लगाई थी तब भी कितनी मिट्टी निकली थी, एक बार सुबह लगा दी जो मॉर्निंग वाली होती है ना, वो हल्की हल्की लगा दी, और देखिए अभी भी कितनी सारी है। और ये यहाँ पे कर रहे हैं बाहर की तरफ धुलाई, मम्मी लगा रही है झाड़ू। आराम करने का भी टाइम नहीं आज, मुझे तो चाहिए, मुझे तुम्हें बिठाना है। देखो भाई यहाँ पे बिछ गई हमारी यू वाली चादर, बिल्कुल गंदी है, गंदी लग रही है, कितनी मस्त चादर लग रही है ना रा? बहुत अच्छी लग है ना। और यहाँ बिच गई ये वाली चादर, हिला जा रखा यार तुमने तो बिल्कुल। ओ नहाने दो, चलो भाई नहाते हैं। और यहाँ हमारा ये भी बैग बुक रखी है, अनबॉक्सिंग करने इनकी, अनपैकिंग। पूरा घर क्लीन कर दिया भाई, इतनी ज्यादा गंदगी निकली है ना, हा हा, कई घंटे में जाकर साफ हुआ। तो यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं रहती, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स काम तो सारा हो गया है फिनिश, और सच मानिए बहुत टाइम लग गया था फिनिश करने में सारा काम, सब लोग लगे थे लेकिन फिर भी बहुत टाइम हो गया। तो मेहनत करके कुछ अच्छा खाने को तो चाहिए ही, तो कुछ सब्जी भी नहीं थी अभी, तो हमने बनाया यहाँ पे आलू पूड़ी, आ जाइए आप लोग भी खाइए, बन गई है करारी करारी पूड़ियाँ। और सब लोग बैठे हैं, सफाई करके सब खाने बैठे हैं ना, तो बड़ा ही सुकून सा मिल रहा है, वरना रात और सुबह में ना चाय पीने के टाइम भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो आ जाइए आप लोग भी खाइए आलू पूड़ी, और खा के बस थोड़ा सा करेंगे आराम। वीडियो का भी करती हूँ फ्रेंड्स यहीं पर एंड, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो एक प्यारा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। मिलूंगी फ्रेंड जल्दी ही फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।